वेलकम टू माय अमेजिंग आइडियाज चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर अमेजिंग आइडियाज लेकर आती हूँ, वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ और उस रेसिपी का नाम है फिश मसाला फिश रेसिपी। हाँ गाइस, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में अमेजिंग तरीके से मसाला फिश बनाना सिखाऊंगी। सो गाइस, बिना रुके इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज आप लोगों के लिए मैं टेस्टी मसाला फिश रेसिपी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, ये हमारी इंग्रेडिएंट्स है जो मैं इस फिश में डालूंगी। तो देखिए गाइस, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम डालने वाले हैं इस चीज में, इस फिश में। सबसे पहले हमने हाफ के जी फिश ले लिया है, उसके बाद इसमें हम लोगों ने 4 पीस पोटैटो ले लिया है और 1/2 टेबल स्पून हमने हल्दी ले लिया है यानी टर्मरिक, एंड 1 टेबल स्पून हम लोगों ने सॉल्ट ले लिया है, 1 टेबल स्पून हम लोगों ने रेड चिली पाउडर ले लिया है और 2 टेबल स्पून हम लोगों ने धनिया ले लिया, धनिया पाउडर। ओके, और फिर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमने 2 ऑनियन लिया है, 1 लेमन लिया है और हम एक 4 टोमेटोज भी लिया है और हम लोगों ने जिंजर और गार्लिक भी ले लिया है। इसका हमें पेस्ट बनाना है, ठीक है। और हम लोगों ने 1 टेबल स्पून गोल मिर्च और जीरा ले लिया है, ठीक है। और ये 5 कोरा हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो ये, और हम लोगों ने ऑयल ले लिया है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स से हम जो है मसाला फिश रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। और देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे एक फ्राई पैन लिए है और उसमें हम लोग जो है ऑयल डालेंगे। देखिए गाइस, हम लोग वहाँ पे 1 कप ऑयल डाल रहे हैं फ्राई पैन में और इसे हम हाई फ्लेम में छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिश को फ्राई करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, तो फिश में हम लोग ये नमक डाल दे रहे हैं यानी कि सॉल्ट डाल दे रहे हैं। देखिए गाइस, अब हम लोग इसमें टर्मरिक भी डाल दिए है, टर्मरिक पाउडर। तो गाइस देखिए, इसमें हम लोग रेड चिली पाउडर भी डाल दे रहे हैं। देखिए गाइस, हम लोग 1 टेबल स्पून बेसन भी इसमें डाल रहे हैं। ये जो है ऑप्शनल, आप डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते, ठीक है। अगर आपके पास है तो डाल दो और नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, आप इसको हम फटाफट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। देखिए गाइस, हम लोगों ने इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, हम लोगों ने इसे हल्का लो फ्लेम में हम लोगों ने इसे रखा है और फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। गाइस देखिए, फ्राई हो रहा है लो फ्लेम पर, हमें इसे लो ही फ्लेम पर रखे फ्राई करना है, ओके। गाइस देखिए, हमें लो फ्लेम में 2 मिनट तक रखना है, फिर हम लोग फ्लेम हाई करके इसे जल्दी फ्राई कर देना, ओके। देखिए फ्राई हो रहा है, तो गाइस देखिए, ये फ्राई हो चुका है आधा, और थोड़ा सा फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा फ्राई करके इसे लो फ्लेम में करके हटा देना, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ हमारा फिश फ्राई हो चुका है और इसे मैं अलग कर रही हूँ एक चैनल बॉल में निकाल करके। तो गाइस देखिए, कितना अच्छे से और फ्राई हो रहा है, और ज़्यादा फिश फ्राई हो रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने अभी पूरा टमाटो को मैंने कट कर लिया है और इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, ठीक है। गाइस देखिए, हम लोगों ने इसमें लेमन भी डालना है। देखिए गाइस, हम लोगों ने लेमन डालना है इसमें और फिर इसका पेस्ट बना देना, ठीक है। गाइस देखिए, अब हम लोगों ने एक कुकर ले लिया है और इसमें हम लोग 1 टेबल स्पून घी डालेंगे, ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून, देखिए 1 और डालेंगे, देखिए 1 टीस्पून हम लोगों ने 5 फोरन डाल दिया इसमें। अब हमें इसे लो फ्लेम में रख देना है 1 मिनट, ठीक है। अब हमें इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, देखिए जो हम लोगों ने निकाल के रखे थे, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डाल देंगे, ठीक है। और इसे हम लोग, गाइस ये वाले जो हम लोग निकाल रहे थे ये भी डाल देंगे, गोल मिर्च और जीरा, और फिर हम लोग इसे पूरा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ऑनियन, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बना लिया और इसे भी हम लोग डाल देंगे 1 टेबल स्पून, ठीक है। देखिए गाइस, अब हम इसे लो फ्लेम में छोड़ देंगे। अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज्यादा जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट डाल सकते हो, ज्यादा शोरबा या फिर ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइस, अब हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट्स तक, छोड़ देंगे, ठीक है, लो फ्लेम में, ओके। गाइस वैसे ज़्यादातर जो है फिश जो बनते हैं वो कढ़ाई बनते हैं, पर इसमें हमें
हम इसे कुकर बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। देखिए गाइस, अब हम लोग इसे जो हम लोग ने टोमेटो लिया था और उसमें लेमन डाला था उसका हम लोगों ने पेस्ट बना लिया। अब हम इस पेस्ट को भी डाल देंगे कुकर में, ठीक है गाइस। देखिए हम लोगों ने डाल दिया है पेस्ट ये वाला। देखिए अब हम लोगों ने इस पोटैटो को स्मॉल स्मॉल स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप इसे अपने हिसाब से भी कट कर सकते हो। हम लोगों ने इसे गोल गोल करके कट किया, ठीक है, कुकर में। देखिए गाइस, और हम इसे मिक्स कर देंगे, ठीक है गाइस। देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे और 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, लो फ्लेम पे छोड़ना, ठीक है। 10 मिनट के बाद हम इसे हाई फ्लेम में रख देंगे, ठीक है गाइस। जब तक सारे मसाले इसमें अच्छे से भुना नहीं जाते तब तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे, ठीक है गाइस। इसे हम अभी हाई फ्लेम में कर दे रहे हैं, ठीक है। और आप इसे कुकर को बंद नहीं करिएगा, ठीक है, फिर ढक्कन को नहीं लगाइएगा, ऐसे ही इसको हाई फ्लेम में रखना है। देखिए गाइस अभी हल्का सा पक रहा है गाइस। 10 मिनट हम हाई फ्लेम में रखने के बाद फिर से हम इसे लो फ्लेम में ढककर छोड़ देंगे जब तक सारा मसाला भुना ना जाए अच्छे से और पक ना जाए, ठीक है गाइस। देखिए अब ये अच्छी तरीके से भुना चुका है, आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत टेस्टी कलर आ रहा है। अब हम इसे कुकर के ढक्कन लगा के इसे छोड़ देंगे, एक सीटी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। एक सीटी जब कुकर का मारेगा उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है गाइस। देखिए अब इसमें एक सीटी मार चुका है इसलिए हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है, हम ऑफ कर देंगे या फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। फिश एकदम बन के रेडी है, हमारा मसाला फिश रेसिपी जो था ये एकदम बन के एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, खाने में कितना टेस्टी लगेगा आप देख सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर to my video. Thanks a lot and bye bye. See you in next video.